इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कंप्यूटर में ब्लूटूथ के माध्यम से इंटरनेट कैसे चला सकते हैं, वो भी बिना किसी वायर के, डायरेक्ट वायरलेस। वैसे तो दोस्तों कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के बहुत सारा तरीका है, लेकिन इस वीडियो में हम ब्लूटूथ के माध्यम से बात करेंगे। वैसे ब्लूटूथ के माध्यम से इंटरनेट चलाना बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, फिर भी सीख लीजिए सीखने में क्या जाता है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ कि आप ब्लूटूथ के माध्यम से अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों ब्लूटूथ के माध्यम से इंटरनेट चलाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने ब्लूटूथ अडाप्टर को अपने सीपीयू में लगा देना है। तो जैसे ही ब्लूटूथ अडाप्टर आपके सीपीयू में लगेगा, उसके बाद यहाँ पे कोने पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का आइकन दिखेगा। इसका मतलब है कि ब्लूटूथ अडाप्टर जो है वो सक्सेसफुली लग गया है। उसके बाद आपको दूसरा चीज ये करना है कि अपने मोबाइल में ब्लूटूथ को आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पे आपका मोबाइल, जिस मोबाइल से आप है इंटरनेट चलाना चाहते हैं, वो मोबाइल यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे मेरा पहले से दिखा रहा है। यदि दिखा रहा है इसका मतलब है कि आप जो है अपने मोबाइल को कभी ना कभी अपने कंप्यूटर में कनेक्ट जरूर किए, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है आपका मोबाइल का डिवाइस। तो आप यहीं से डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करके यहाँ पे कनेक्टिंग यूजिंग में जाके यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन में क्लिक करके डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और मान के चलिए कि यहाँ पे आपका मोबाइल नहीं दिखा रहा, फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। तो आप वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं रिमूव करके डायरेक्ट बता रहा हूँ कि यदि आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसको रिमूव होने दीजिए पहले। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से रिमूव हो गया है मेरा मोबाइल। तो आपका भी इस तरह दिखा रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे एड डिवाइस में जाके क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल में जब ब्लूटूथ ऑन रहेगा तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल है वो दिखा देगा, देखिए मेरा ये वाला है, ठीक है। तो आपका जो भी मोबाइल रहे उसी में आपको क्लिक करके नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करना है पेयर करने का, नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेयर होगा, देखिए मोबाइल में पेयर का ऑप्शन आ गया, तो आपको पेयर में क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ से नीचे से नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना और इंतजार करना है कनेक्ट होने का, यानी कि मोबाइल जो है और मेरा कंप्यूटर वो आपस में पेयर होके कनेक्ट हो रहा है। तो पहले कनेक्ट होने दीजिए, उसके बाद बताते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कनेक्टिंग वगैरह सारा प्रोसेस हो रहा है। तो देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे बोल दिया कि दिस डिवाइस हैज बीन सक्सेसफुली एडेड टू दिस कंप्यूटर, यानी कि मेरा जो मोबाइल है वो कंप्यूटर से सक्सेसफुली एड हो गया। उसके बाद आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे उसी तरह आ गया जिस तरह पहले दिखा रहा था, यानी कि मेरा मोबाइल जो है और मेरा कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपको तीसरा चीज ये करना है कि यहाँ पे अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। सेटिंग्स को आप खोलिए, खोलने के बाद यहाँ पे आपका दिखाएगा कनेक्शन एंड शेयरिंग, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लूटूथ डेडरिंग को आपको करना क्या है, ऑन कर देना। ये बहुत जरूरी है, तभी इंटरनेट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ब्लूटूथ डेडरिंग को ऑन कर दीजिए और बैक आ जाइए। उसके बाद आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल में इंटरनेट को भी आपको ऑन कर देना। यदि आपका इंटरनेट बंद रहेगा तो इंटरनेट को भी आपको करना क्या है, ऑन कर देना है। मोबाइल में तीन चीज ऑन रहेगा, इंटरनेट ऑन रहेगा, ब्लूटूथ ऑन रहेगा और ब्लूटूथ डेडरिंग भी ऑन रहेगा। तीन चीज ऑन रहेगा, बस मोबाइल का काम हो गया। उसके बाद आइए कंप्यूटर में। उसके बाद कंप्यूटर में आपको करना क्या है कि इसी तरह दिखाएगा, तो आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल में जो यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, तो देखिए यहाँ पे मोबाइल दिखा दिया, जो भी मोबाइल से आप कनेक्ट किए हुए रहेंगे वो मोबाइल दिखा देगा। तो मोबाइल में आपको क्लिक कर देना और कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है ये वाला, जूम करके दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए ये वाला ऑप्शन कनेक्ट यूजिंग लिखा हुआ है। तो इसमें आपको करना क्या है कि क्लिक कर देना। उसके बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे देखिए यहाँ क्लिक करते हैं, नीचे एक्सेस पॉइंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, तभी आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोने पे दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए कोने पे अभी इस तरह दिखा रहा है, इसका मतलब है कि अभी इंटरनेट जो है रेड दिखा रहा है, अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं हुआ है। तो जब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा मोबाइल में और यहाँ पे कनेक्ट यूजिंग में क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक्सेस पॉइंट में क्लिक कर दूंगा, तो वहाँ पे अभी कनेक्ट हो जाएगा और बता देगा कि आपका जो इंटरनेट है वो कनेक्ट हो रहा है और हो जाएगा, देखिएगा। हाँ,
देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है यहाँ पे, देखिए अब देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो कनेक्ट होने के बाद देखिए किस तरह दिखा रहा, पहले यहाँ पे क्रॉस का सिंबल था, तब यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो गया ठीक है। उसके बाद चलिए कुछ खोल के देखते हैं कि इंटरनेट सही से काम कर रहा है या नहीं। तो गूगल में यहाँ पे लिखते हैं फ्लिपकार्ट, तो देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो है वो खुल गया, यानी कि मेरा जो मोबाइल है और मेरा जो कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्ट हो गया है, और मोबाइल से मेरा इंटरनेट भी कंप्यूटर में चल रहा है। देख सकते हैं जिस चीज़ को मैं खोल रहा हूँ धनाधन यहाँ पे खुल रहा है, सारा चीज़ यहाँ पे एक्सेस हो जा रहा है। देखिए सारा चीज़ यहाँ पे लोडिंग वोडिंग सारा चीज़ हो जा रहा है, इंटरनेट कितना अच्छा यहाँ पे चल रहा है। तो इसी तरह आप है सो मोबाइल और कंप्यूटर को आपस में पेयर करके पहले कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। और यहाँ देखिए अभी यहाँ पे दिखा रहा था दूसरा ऑप्शन, तो अभी यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया तो दिखा रहा है डिसकनेक्ट का, कि क्या आप डिसकनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं डिसकनेक्ट में क्लिक कर दूंगा तो डिसकनेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से रेड एरर आ गया, तो दोबारा से कनेक्ट करने के लिए बस मोबाइल में क्लिक कीजिए और यहाँ पे कनेक्ट यूजिंग में जाके एक्सेस पॉइंट में क्लिक कर दीजिए, तो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, कनेक्ट हो गया। तो इसी तरह दोस्तों आप है सो बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल को और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। तो दोस्तों जब आपका मोबाइल और कंप्यूटर आपस में पेयर होके एक बार कनेक्ट हो गया, उसके बाद आप इंटरनेट को चलाइए ठीक है। इंटरनेट चलाने के बाद जब आपका इंटरनेट चला हुआ हो जाएगा, उसके बाद आप डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम कनेक्ट करने के लिए आएंगे, तो सेकेंड टाइम आपको पेयर वेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में आइए, उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल दिखा देगा, आप अपने मोबाइल में क्लिक कीजिए और कनेक्ट यूजिंग में क्लिक करके एक्सेस पॉइंट में बस केवल क्लिक कर दीजिए, तो दोबारा अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, आपको कहीं भी पेयर वेयर करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और यदि आपका कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।